A person uses 1.5 diopter glasses to have normal vision for 25 centimeter onwards. एक बंदा जो है वो कितना 25 सेंटीमीटर को देखने के लिए कितने लेंस का यूज़ करता है वो 25 सेंटीमीटर को देखने के लिए 1.5 डायोप्टर का लेंस यूज़ करता है, ठीक है। मतलब उसको मायोपिया है, उसका नियर पॉइंट ये नहीं है, नियर पॉइंट उसका कुछ है और है, और वो क्या है वो देखना है अपने को। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं, वन अपॉन वांट्स टू सी माइनस वांट्स टू सी तो क्या है 25, बोलो वांट्स टू सी 25 उसको देखना है, कितना देख सकता है वो निकालना है। इज इक्वल टू 1 अपॉन f, और f कितना 100 अपॉन कितना, तो इससे क्या आ जाएगा 1 अपॉन kc, इसको तो ले जाओ ये यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 25 नेगेटिव 1.5 होल अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन kc। अब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 में से 1.5 जाएंगे तो कितना बचेगा 2.5, तो 2.5 होल अपॉन 100 कितना आ गया, तो उसका जो नियर पॉइंट बन रहा है वो कितना बन रहा है 40 सेंटीमीटर। क्या बन रहा है भैया वो 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो 20 डायोप्टर का लेंस यूज़ कर रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप को, कैलकुलेट द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर अगर वो ग्लासेस के साथ यूज़ करता है और अगर वो ग्लासेस के बगैर यूज़ करता है। ग्लासेस के बाद तो उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ग्लासेस के बगैर कितना होगा, सिंपल सी बात है। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है 1 plus d/f, दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। अब पहला कौन सा, टुगेदर विथ हिज ग्लासेस, ग्लासेस के साथ में करेगा तो ग्लासेस के साथ में करेगा तो क्या 1 plus d/f, d की वैल्यू कितनी, ग्लासेस के साथ 25 है, f कितना है फोकल लेंथ, वो मैग्नीफाइंग पावर कितनी है लेंस की, तो इससे उसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, हाँ जी। तो ये आ रही है विथ ग्लासेस, और दूसरा विदाउट ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस उसकी क्या होगी आंसर, क्या है इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ, बट चलो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है सर, ये एफ ओ आई पी एस की कितनी एफ ई, ऑब्जेक्ट को कितने सेंटीमीटर पर रखा, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या, इमेज कहाँ बनाई जा रही है इन्फिनिटी पर, इमेज कहाँ बनाई जा रही है, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या होगा, एम इज इक्वल टू होता है माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू कितना डी अपॉन एफ ई। इसका एक फार्मूला और तुमको बताया गया कल, जो हमने सबसे आखिरी में करेक्शन किया, एफ नॉट कितना, एफ नॉट कितना है, ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पर रखा है, डी 25, एफ ई कितना, ये आ गई मैग्नीफाइंग पावर। एंड व्हाट अबाउट लेंथ, लेंथ का फार्मूला क्या था, वी ओ प्लस एफ ई, और वी ओ को तुम क्या लिख पाए थे, यू नॉट एफ नॉट अपॉन यू नॉट माइनस एफ नॉट प्लस कितना। अब इसमें क्या, इतना बढ़िया सर ने फार्मूला लिखवा दिया तुम्हारे को, अब तुमसे अगर वो नहीं हो रहा तो या तो मेरे को अकल नहीं कि कैसे पढ़ाया जाए। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, हम ट्राई तो करें यार। टोटल मैग्नीफिकेशन कितना है भैया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टोटल मैग्नीफिकेशन m 20 है, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय आईपीएस कितना है 5 है। अब टोटल मैग्नीफिकेशन जो होता है वो कितना होता है, एम नॉट इंटू कितना, अब इसको रख दोगे तो ऑब्जेक्टिव कितना मैग्नीफिकेशन पैदा कर रहा होगा 4, और ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन अगर तुम ध्यान दो तो वो कितना आता है माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, आता है या नहीं,
कैसे मालूम पड़ा मेरे को? वो ऐसे मालूम पड़ा कि m बराबर क्या आया था, m बराबर आया था माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू कितना d अपॉन यू ई। और ये तो मुझे मालूम है कि जो आई पीस है वो तो किसकी तरह काम कर रही होती है, एक्चुअली आई पीस एग्जैक्टली वही काम कर रही है सिंपल माइक्रोस्कोप करता था। आई पीस एग्जैक्टली वही काम कर रही है जो कौन करता था, सिंपल माइक्रोस्कोप, बोलो ना। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप वाला हो गया, तो ये ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफाइंग पावर होगी कि नहीं होगी, वो इतनी आ गई माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, या फिर इसे आप क्या लिख सकते हो माइनस एफ नॉट अपॉन कितना यू नॉट माइनस क्या एफ नॉट। माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड एट अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आईपीस इज 14 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट और आईपीस के बीच की, इसको माइक्रोस्कोप को फोकस किया गया एक सर्टेन ऑब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट और आईपीस के बीच की डिस्टेंस कितनी है 14। इफ लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन इज 20 सेंटीमीटर कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। अब मसला ये है कि ऑब्जेक्टिव की तो मैग्नीफाइंग पावर आ गई और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और आईपीस कितनी है 14 है, लीज डिस्टेंस इतनी है, तो लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आईपीस। अब अपने को ये नहीं मालूम कि ये जो मैग्नीफिकेशन अपने को दे रखा है ये किसके लिए दे रखा है, लीज डिस्टेंस के लिए दे रखा है कि इन्फाइनाइट के लिए दे रखा है। मैग्नीफिकेशन में कहीं मेंशन किया है क्या कि इमेज कहाँ बन रही है? नहीं मेंशन किया है, पर अपने को मालूम है कि आईपीस का मैग्नीफिकेशन इतना है। तो आईपीस का मैग्नीफिकेशन मेरे को पता है, तो ऑब्जेक्टिव का इतना हो गया, तो आईपीस का मैग्नीफिकेशन कितना है? आईपीस का मैग्नीफिकेशन क्या होता है? दिस इज द मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस व्हिच इज हाउ मच 5। यहाँ डी की वैल्यू 20 रखो, डी की वैल्यू जब मैंने 20 रखी तो यू ही कितना आ गया, सुनाई नहीं दिया मुझको, यू ही की वैल्यू 4 आ गई। यू ही की वैल्यू कितनी आ गई सर? यू ही की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब लेंथ क्या होती है? वी नॉट प्लस यू ही, और एल कितना? वी नॉट मालूम नहीं, यू ही कितना? वी नॉट की वैल्यू कितनी, मतलब ऑब्जेक्टिव जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बना रहा, तो ये वी नॉट आ गया, आ गया वी नॉट आ गया तुम्हारे पास में। अब इस वी नॉट की वैल्यू को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो मेरे पास यू नॉट भी आ जाएगा, वो कितना है माइनस 4 इज इक्वल टू कितना माइनस वी नॉट, जिसकी वैल्यू 10 है यू नॉट, तो यू नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस क्यों लगाया? क्योंकि जरा तुम ध्यान करो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव है वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है। हाँ तो करो ही मत मेरे को, कॉपी तुम्हारे को दिमाग में पिक्चर छपी होना चाहिए। मैंने कहा डेरिवेशन करवाया, मैं फार्मूला लिखवाता काम करवा देता, मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं फार्मूला को डेरिवेशन अगर करा रहा हूँ तो उसका कुछ महत्व है। तो यू नॉट की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर आ गई, यू नॉट की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर आई, और क्या ये तुम्हारे पास में यू नॉट आ गया। और अभी तुमसे क्या पूछा है? फोकल लेंथ पूछी है, तो फोकल लेंथ निकालता हूँ। फोकल लेंथ फोकल लेंथ फोकल लेंथ फोकल लेंथ फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की 1 अपॉन इमेज कहाँ बन रही है उसमें पीछे बन रही है 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन यू नॉट, इससे तुम्हारे पास में किसकी फोकल लेंथ आ जाएगी? ऑब्जेक्टिव की। तुमसे ऑब्जेक्ट और आईपीएस की फोकल लेंथ पूछिए ना भाई, तो ये कितना 1 अपॉन प्लस 10। क्यों? क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है? पीछे बन रही है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? सामने। 1 अपॉन एफ नॉट, बोलिए अभी क्या होगा? इससे तुम्हारे पास क्या आ गया? एफ नॉट निकाल लो। और अब आईपीएस की फोकल लेंथ निकालनी है, कैसे निकालेंगे? आईपीएस की फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे जरा सोचिए। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आ गई, अब किसकी फोकल लेंथ निकालनी है? आईपीएस की। तो आईपीएस की फोकल लेंथ कैसे निकालूं?
क्योंकि अपनों को ये नहीं मालूम कि फाइनल इमेज कितनी डिस्टेंस में बन रही है, फाइनल इमेज कितनी डिस्टेंस में बन रही है अपने को पता नहीं है। क्या किया जाए? पार्डन में एफ अपॉन से क्या आएगा? हाँ तो यू ही आ गया ना अपने पास। ऑब्जेक्टिव के केस में जो मैग्नीफाइंग पावर है वही लीनियर मैग्नीफिकेशन के बराबर है, क्योंकि लीनियर मैग्नीफिकेशन भी माइनस वी बाई यू होता है और मैग्नीफाइंग पावर भी माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट है, तो इसलिए वहाँ चल गया हो। लेकिन कहाँ पर? आईपीएस के केस में वो नहीं हो पाएगा। मैग्नीफाइंग पावर इज समथिंग डिफरेंट एंड लीनियर मैग्नीफिकेशन इज समथिंग डिफरेंट। मसला ये है कि मुझे इसमें कहीं डाटा में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं वी ई दे रखा है क्या? बोलो। तो वहाँ वी भी नहीं पता, एफ ई भी नहीं पता, वो मैं दिमाग लगा चुका, दोनों क्वांटिटीज अननोन है। वी नॉट है ना, वी ई कहाँ है? इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है वो मुझे कहाँ पता है? यार ये इसके बगैर संभव नहीं है। जब तक वो इमेज कहाँ बनेगी वो नहीं दिया तो उसके बगैर संभव ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि उन्होंने कहीं बोला भी नहीं कि नॉर्मल एडजस्टमेंट किया है, या उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि इमेज डिस्टेंस पे बन रही है। ठीक है, उसके बगैर नहीं हो पाएगा, मतलब हर तरह से सोच लिया मैंने। हर तरह सोच चुका हूँ मैं। हम ऑब्जेक्टिव की फोकलन जहाँ तक निकालने का सवाल है दैट वी कैन डिटरमाइन, बट आईपीएस की फोकलन तब तक नहीं निकाल सकते जब तक ये मेंशन नहीं हो कि इमेज कहाँ बन रही है। चलो एक काम करो, इमेज अगर लीज डिस्टेंस में बन रही है तो निकाल लो। इमेज लीज डिस्टेंस में बन रही है अगर ऐसा मेंशन है तो निकालिए एफ ए। इमेज अगर लीज डिस्टेंस में बन रही है तो क्या होगा उस स्थिति में? तुम्हें क्या निकालना है? एफ ई निकालना है। तो एफ ई कैसे निकालोगे? सीधी बात है, अगर इमेज जिस डिस्टेंस बन रही है तो आईपीएस की मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? और आईपीएस की कितनी देर रखी मैग्नीफाइंग पावर? एक मिनट। यस, दिया हुआ उन्होंने। यार उन्होंने अपने को मैग्नीफिकेशन दे रखा है, वैसे भी अपने को मैग्नीफाइंग पावर नहीं दे रखी है। उन्होंने क्या दे रखा है अपने को? उन्होंने अपने को मैग्नीफिकेशन दे रखा है। उन्होंने अपने को कहीं नहीं बोला कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन है ये। वो क्या दे रखा है अपने को उन्होंने? यस। जब दिमाग काम नहीं करता ना तो फिर नहीं करता है यार। पुनः एक बार फिर से कर लेते हैं हम यहाँ पर। यहाँ टोटल मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय क्या? तो आपको जो दे रखा है, क्या दे रखा है आपको? मैग्नीफिकेशन। वहाँ पर भी उन्होंने एंगुलर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर टर्म यूज नहीं किया, तो उसे हम लीनियर मैग्नीफिकेशन ही लेके चलेंगे। आप, मैं पुनः बोल रहा हूँ, जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या होता है? इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ। जब लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात आती है तो वो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जब एंगुलर मैग्नीफिकेशन की बात आती है तो विजुअल एंगल ऑफ इमेज अपॉन विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, द टू आर डिफरेंट क्वांटिटीज। वो दोनों क्वांटिटीज क्या हैं? डिफरेंट है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है? इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ। और एंगुलर मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है? विजुअल एंगल ऑफ इमेज अपॉन विजुअल एंगल ऑफ
दोनों यूनिटलेस क्वांटिटीज है, दोनों को एम से रिप्रेजेंट करते हो, दोनों में ये फार्मूला लगता है। ऐसे कितने भी लेंस क्यों ना हो, लेंस हो, मिरर हो, जितने भी हो, आपको मान लो 10 लेंसेज भी हैं अगर, तो जो नेट मैग्निफिकेशन निकलता है वो इन सब का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। आपको अगर लीनियर मैग्निफिकेशन का यूज़ करना है तब भी आप यही आइडेंटिटी यूज़ करोगे, और जब आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन यूज़ करना है तब भी आप यही आइडेंटिटी यूज़ करोगे। बस अंतर ये होगा कि लीनियर मैग्निफिकेशन के टाइम पर सबके लीनियर मैग्निफिकेशन लिखोगे, और एंगुलर मैग्निफिकेशन के टाइम पर क्या करोगे, सबके एंगुलर मैग्निफिकेशन लिखोगे। बोलो, ये हमारे पास है। अब टोटल मैग्निफिकेशन जो उन्होंने दे रखा है वो दे रखा है, तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव के द्वारा किया गया मैग्निफिकेशन, आईपीस के द्वारा किया गया मैग्निफिकेशन, और टोटल मैग्निफिकेशन कितना है, 20 है। ऑब्जेक्टिव ने कितना करा मालूम नहीं, और आईपीस ने कितना करा, 5। तो यहाँ से किसका मैग्निफिकेशन आ गया, किसका मैग्निफिकेशन आ गया, ऑब्जेक्टिव का, और ये ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन आ गया। तो ये कौन सा मैग्निफिकेशन है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन। कौन सा है ये, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का आया ये। और अगर कायदे से देखा जाए तो इसको लिखना चाहिए -20, क्यों, क्योंकि जो फाइनल इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड बनती है। फाइनल इमेज जो बनती है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसी बनती है, इसीलिए आपने ये लगाया, यहाँ पर आपके पास में ये आ गया। तो ऑब्जेक्टिव का लीनियर मैग्निफिकेशन आ गया -4। ऑब्जेक्टिव का लीनियर मैग्निफिकेशन कितना आया, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्टिव इन्वर्टेड इमेज बनाता है, जो कि ऐसा होता ही है। हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई थी वो कैसी बनाई थी, रियल बनाई थी, इन्वर्टेड बनाई थी, लेंस के परली साइड बनाई थी, बड़ी इमेज बनाई थी। और आईपीएस ने जो बनाई वो कैसी बनाई, वर्चुअल बनाई, और उसी तरफ बनाई, और इरेक्ट इमेज बनाई। आईपीएस ने जो इमेज बनाई थी वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसी है, इरेक्ट है। वो कैसे इरेक्ट है, कैसे इरेक्ट है, वो डायग्राम देखो, मेरे चेहरे पे नहीं लिखा हुआ, देखो मालूम पड़ रहा है कि नहीं मालूम हमको, ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई उसका नेचर क्या है। मैं लपड़ दूंगा प्रियवंश अगर गलत बोलोगे तो। ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई है वो कैसी बनाई है, सोच के बोलो, तुमसे गलत की उम्मीद नहीं करता हूं। कैसी इमेज बनाई है ऑब्जेक्टिव ने, रियल या वर्चुअल, कैसी बनाई है ऋषभ राय, और इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, क्यों बड़ी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यू कैप बिटवीन फोकस एंड 2F से। आईपीएस ने जो इमेज बनाई वो कैसी बनाई, इरेक्ट, सीधी, हाँ जी, चलिए फाइनल इमेज इन्वर्टेड है इसीलिए माइनस। तो ये ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन आ गया, यानी कि लेंथ ऑफ ये लीनियर मैग्निफिकेशन आ गया। अरे बोलो, ये अपने पास है, ये हमारे पास आ चुका भैया। अब क्या बोला तुमसे, अब तुमसे बोला डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीएस, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीएस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, वो ऐसी होती है, हाँ जी, और यहां ये भी बोल रखा है माइक्रोस्कोप की जो लेंथ है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो तुम्हें दे रखी 14। पर अभी तुम्हें क्या निकालना है, क्या है मेरा दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा अभी यार, ये एमओ आ गया। एमओ की वैल्यू किसके बराबर होगी, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है -V/U, अब क्या, अभी मैंने वीओ निकाला था मेरे से, वो भी निकल रहा है। तो क्या कर रहा हूँ यार मैं, क्यों नहीं हो पा रहा मेरे से यार। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीओ निकाला था मेरे से, वो भी निकल रहा है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है यार।
अभी मैंने वीओ कैसे निकाला था? डी अपॉन यूई से वो लीनियर मैग्निफिकेशन अपने को दे रखा है। वो हम डी बाई एफ तब लगाएंगे ना जब इमेज इन्फिनिटी पे बने, इमेज जिस डिस्टेंस बनते तो 1+ डी बाई एफ लगाते हैं हम। उसमें आ गया वो, हमको बोला ही नहीं उसमें उन्होंने इमेज कहाँ बनी है। तुम ये कहाँ से आए? तो ये रखो मेरे लिए, तुम किसी और को मत खिलाओ, ये ले जाओ मेरे को दो। एक्चुअली क्या है देखो, डाटा तो इनकम्प्लीट ही है यार, कुछ भी कर ले अपन डाटा इनकम्प्लीट है। यहाँ हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लीनियर मैग्निफिकेशन है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन दोनों सेम है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव है उसका लीनियर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन दोनों सेम है, लेकिन जो आईपीस है उसमें दोनों सेम नहीं है। आईपीस में दोनों सेम नहीं, आईपीस में दोनों डिफरेंट है। क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो ऑब्जेक्टिव है उसका लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो माइनस वी बाय यू है। लेंस का क्या होता है? वी बाई यू होता है या नहीं होता है? वही है। और अगर अपन जो फार्मूला आया फाइनली अपने पास उसमें अगर अपन देखें तो वो भी वी बाई यू ही था।